हाय एवरीवन आज हम मेकअप करने वाले हैं पहले हमने फेस वॉश कर लिया उसके बाद हम पॉन्स की क्रीम लगाने वाले हैं ये जेल बेस्ड है ताकि हमारे मेकअप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो हम पहले अच्छे से मसाज कर लेंगे फिर हमने हेडबैंड लगा लिया ये हमने सेट कर लिया शीशा और ये शुगर का प्राइमर है और हम अब लगाने वाले हैं प्राइमर हमने शुरू कर दिया प्राइमर लगाना धीरे धीरे स्टार्टिंग में हम लगाएंगे प्राइमर ताकि हमारा मेकअप है उसके लिए एक अच्छा सा बेस बन जाए ताकि वो अजीब सा ना दिखे सो प्राइमर लगाते हुए काफ़ी देर लगेगी हम आपको क्योंकि फेस का सारा एरिया कवर करना होता है ना प्राइमर लगाते हुए सो इसी के साथ जी प्राइमर लग गया अब हम रैनिक लिपस्टिक लगाने वाले हैं ये पी एच वाली लिपस्टिक है इससे अच्छा शेड आता है अब इसके बाद हम फाउंडेशन लगाने वाले हैं सो so, यह लगा दिया मैंने फाउंडेशन और मेरा शेड है राफ सेवेंटीन सो so, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे ब्रश के साथ जो इसके साथ मिलता है सो so, हम धीरे धीरे इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करते जाएंगे ताकि फाउंडेशन और हमारी स्किन में ज़्यादा फर्क ना लगे ये काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है इनकी सो so, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता है आपके कि आपने फाउंडेशन लगाया है या नहीं लगाया है काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है आपकी स्किन के साथ सो so, पहले तो मैं इस ब्रश से ब्लेंड करूँगी और जब मुझे लगेगा कि ब्रश वाला काम हो चुका है उसके बाद मैं अपना स्पॉन्च से एक बार ब्लेंड करके देखूँगी ताकि मेरा फेस बिल्कुल इवन टोन लगे और कहीं से भी फाउंडेशन अजीब सी उठी हुई ना लगे सो so, ये कर दिया मैंने ब्लेंड और अब इसके बाद हम जाएंगे सीधा आईब्रोज़ पे सो so, पहले हम इनको ब्रश कर लेंगे फिर हम इन पर थोड़ी थोड़ी पेंसिल लगाएंगे जहाँ जहाँ से हमें गैप लगा था फिर आईलाइनर लगाएंगे विंग आईलाइनर अच्छा लगता है मशकारा लगाएंगे मशकारा में थोड़ा थोड़ा साइडवेज हॉरिजॉन्टल हम इसको करते हुए लगाएंगे ताकि हमारी आई लैशेज़ पर अच्छे से लग जाए और काफ़ी बड़ी लगे आई लैशेज़ देखो फ़र्क लग रहा है ना अब हम इनको कॉम कर देंगे थोड़ी देर बाद शुगर का ये एक वेविट विक्ट्री करके पैलेट आता है उसमें से हमने ब्लश लगा लिया है फिर हम बाकी का सामान हाइलाइटर वग़ैरह भी लगाएंगे सो उसी के साथ हमारा ब्लश लग चुका है अब कंटूर भी लगा लिया हमने और हाइलाइटर भी देखते हैं अब कैसा लगता है लुक हमारा फाइनल सो ये हो गया हम रेडी अब इसके बाद हम ड्रेस पहनेंगे और ये हो गया हमारा दिवाली लुक रेडी मुझे कमेंट करके पक्का पक्का बताना कि मेरा दिवाली लुक आपको कैसा लगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डि में डाल दूँगी और उस लिंक से आप ऑर्डर कर सकते हो दिवाली के लिए सुंदर सा सूट ओके बाय गाइस और हाँ जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट